हमेशा की तरह ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मॉर्निंग से। तो आज है मंडे, लेकिन ये जो ब्लॉग है ना ये संडे का है, तो कल मैं नहीं पोस्ट कर पाई क्योंकि कल सारा दिन हम लोग बाहर चले गए थे, तो इसलिए ये ब्लॉग आज जा रहा है। तो यहाँ पर चलिए, हर ब्लॉग में मैं दिखाती हूँ कि अपने पेड़ पौधे को मैं किस तरह से केयर करती हूँ। तो अगर आपने मेरे पिछले ब्लॉग नहीं देखा होगा तो आप लोग विजिट कर सकते हैं, और ब्लॉग में आप लोग बिल्कुल बने रहें। और उससे पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि 76% वही लोग देखते हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो बहुत ये जो है ना मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब भी कर ले। अगर आप लोग मेरी ब्लॉग को पसंद करते हैं तभी आप लोग देखते हैं। तो चलिए, यहाँ पर मैं टेरेस पे सब पे पानी डाल देती हूँ, काफ़ी गर्मी आ गई है तो दोनों टाइम पानी देना पड़ता है। और आज का ब्लॉग जो है ना किचन से हट कर का है, क्योंकि देखिए हम लोग तो हम जो हाउस वाइफ होते हैं तो डेली अपना वर्क करते हैं, लेकिन अपने ऊपर कभी हम लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो आज के ब्लॉग में मैं दिखाऊँगी, मैं जब भी हेयर कर, मैं पार्लर बहुत कम जाती हूँ क्योंकि मैं ब्यूटीशियन भी हूँ, आप लोगों को जैसे पता होगा मैंने कोर्स भी किया है। लेकिन बालों में आप लेयर्स कट अपने से काट सकती हैं घर में, और लेयर्स कट आपकी हेयर स्टाइल को थोड़ा फ्रेश बना देता है। तो कैसे अपने खुद के बालों को लेयर कटिंग कर सकती हैं, तो थोड़ा बहुत ट्यूटोरियल मैं आज दिखाऊंगी। फुल ट्यूटोरियल जो है ना मेरे प्लेलिस्ट चेक कर ले, वहाँ पे लीनाज फैशन एंड ब्यूटी में सारे ट्यूटोरियल आपको मिल जाएंगे। लेकिन मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूँगी जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, वहाँ से डायरेक्ट आप विजिट कर सकते हैं। और कभी कभी क्या होता है ना कि हम अपने घर में ही बालों को काट रहे हैं, इसलिए उन्हें आईने में देखने और आप लेयर्स को कहां पर रखना चाहती हैं इसके बारे में मतलब आप अच्छी तरह से देख ले, एक बार समझ ले, तभी आप कटिंग पे हाथ लगाए। और बालों को अच्छी तरह से देखिए, मोटे कंघे वाले जो कंघा आता है ना, कॉम्ब आता है, उसको अच्छी तरह से कॉम्ब कर लीजिए। मंथ में एक बार आपने बालों को ट्रिमिंग जरूर करें, जिससे दो मुहे बाल होते हैं ना वो बिल्कुल चले जाते हैं, और बालों की जो है आपकी ग्रोथ भी बढ़ती है, लेंथ भी बढ़ती है। हेयर स्पा भी मैंने घर में किस तरह से करना है उसको भी मैंने उसकी भी वीडियो बनाई है, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप लोग विजिट कीजिएगा। तो यहाँ पर एक पोनी बनाना है, सामने पूरे बाल ला करके एक अच्छी तरह से पोनी टेल बना लें। अगर आपके बाल काफ़ी मोटे हैं तो फिर आपको तो पूरे लेयर्स पर से गुजरने में एक से ज़्यादा बार कैंची चलाना होगा। और यहाँ पर देखिए मैंने छोटा ही कैंची लिया है, तो यहाँ पर दो पार्ट में मैंने कितनी कटिंग रखनी है आप लेंथ देख ले, तो मुझे बस जो है ना चार अंगुल मुझे कटिंग करनी है। तो देखिए इस तरह से जो जहाँ पर आपने गार्डर लगाया है ना उसके नीचे से जितना दूर कटिंग करनी है तो बराबर से आप कट कर ले, और बस सबको बस ठीक एक ही जगह से काटना है, और उन्हें एक एंगल ना काटे नहीं तो लेयर्स तिरछी नजर आएगी। और कैंची को जब भी है ना हॉरिजेंटली पकड़ने का, एक स्ट्रेट कट करने का ख्याल रखें, और इसके फुल ट्यूटोरियल मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी तो वो आपको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो मेरे बाल जब भी बढ़ जाते हैं ना तो इस तरह से मैं कटिंग कर लेती हूँ, और लगेगा ही नहीं कि मैं पार्लर से नहीं कटवा करके आई हूँ। और उसके बाद जब कटिंग कर ले तो जो भी आपने बैंड लगाया है ना तो उसको बिल्कुल हटा ले, और यहाँ पर थोड़ा मैं ट्रिमिंग भी कर लूँगी। और फेसियल भी जो है ना, फ्रूट फेसियल से लेके घर में जो भी हम होम रेमेडी जो होता है उसके भी मैंने पूरी फेसियल की ट्यूटोरियल दिखाई है, तो सबके लिंक मैं बार बार बोलूँगी कि सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। किचन का काम तो मैं रोज़ दिखाती ही हूँ, लेकिन कभी भी अपना जो मैं किस तरह से अपने केयर करती हूँ, केयर तो नहीं ही करती हूँ, बहुत ही कम, और लेकिन बाल और फेस ऐसा है ना कि उस पर नहीं चाहते भी आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि एक बार बाल जब झड़ने लगते हैं ना तो फिर तो संभालना मुश्किल हो जाता है। और मुझे बचपन से ना हेयर कटिंग की बहुत ज़्यादा मतलब मैं शौक़ था, और मेरी बहन लोग जब छोटी थी ना तो मैं बहुत कटिंग करती थी। मझली वाली बहन को तो मैंने कौन सा ऐसा कटिंग नहीं किया, कभी कभी तो काटते काटते बाल बराबर करते करते और बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता था, तो उस समय मेरी दादी माँ पिटाई करने लगती थी, कमर तक बाल एक बार मैं कटिंग इधर से काटूँ तो इधर बड़ा हो जाए, इधर से काटूँ इधर छोटा हो जाए, करते करते जड़ तक बाल आ गया लेकिन मेरा बाल सीधा नहीं हुआ। तो ये शौक़ जो है ना मेरा बचपन से था। फिर शादी हुई तो मैं अपनी जो बड़ी ननद का जो भी मैंने अभी वीडियो दिखाया है तो उनके यहाँ गई, वहाँ भी सबकी कटिंग करने लगी। तो बाद में ना एक छोटा सा रूम था उसमें जो है ना मेरी ननद ने बहुत लोगों को यहाँ पे कैंची रख दी और एक पाउडर रख दिया और बोला कि जिसको कटिंग करना है तुम करो। सब लोग आते थे मुझसे कटिंग करवा करवा के जाते थे, तो उस समय क्या था ना कि आगे में दोनों साइड से एकदम फूल जैसा लोग डिजाइन आगे में कटवा लेते थे, तो उसको काटने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगता था, तो मैं सबको कटिंग कर देती थी।
थी, सब खुशी खुशी जाते थे। तब मैंने पार्लर का कोर्स करना सीखा, जिसमें मेरे मजे वाले जेठ बहुत गुस्सा भी हो गए थे, लेकिन मैंने अपना जो शौक़ है ना, जुनून को नहीं छोड़ा और मैंने कोर्स किया और बहुत दिन तक मैंने काम भी किया, लेकिन फिर भी घर के लोगों को उतना ज़्यादा पसंद नहीं आया। लेकिन हाँ, एक बेनिफिट तो हुआ कि मेरे यहाँ जितनी भी शादियाँ हुई है ना, तो सबको मैंने सजाया और सब का जो है ना, मैंने ही जितना भी हेयर कटिंग मेकअप सबको मैंने किया, बहुत सारे पार्लर के मैंने पैसे भी बचाए। तो यहाँ पर चलिए मैं आ गई हूँ अपर लिप्स थ्रेडिंग के लिए। तो यहाँ पर मेरे पास धागा ख़त्म हो गए थे थ्रेड वाले, तो आप जो सिलाई वाला धागा होते हैं ना, तो उससे भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें एक ध्यान रखना होता है कि कभी कभी स्किन भी कटिंग हो जाती है। तो ये जो है ना, आप पाउडर अच्छी तरह से लगा लें और अपना जो टंग होता है ना, उसके मतलब सपोर्ट से आप बनाएं, तो आपके जो है स्किन कटेंगे नहीं। तो मैं जब भी अपर लिप्स बनाती हूँ तो इसी तरह से बनाती हूँ, तो इसकी भी फुल ट्यूटोरियल है। तो मेरे 5 प्लेलिस्ट बने हुए हैं, कुकिंग है, फैशन एंड ब्यूटी है, सिंगिंग है और जो भी मतलब आर्ट एंड क्राफ्ट भी है। तो जो भी मेरा फैशन है, तो मैंने अपना लिस्ट बना लिया है, तो जिसको जो पसंद है तो वहाँ से विजिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आज संडे को, क्योंकि आज हम लोगों को बाहर खाना है, तो बेटा बोला कि छोड़ दो, आज घर में खाना नहीं बनाना, तो बाहर जाना है। तो मैं जो भी क्योंकि आज किचन का काम से मैं बच गई, तो यहाँ पर जो भी जो ध्यान है ना अपने ऊपर मैंने लगाया, और क्योंकि अपने ऊपर भी मतलब कभी कभी ध्यान देना ज़रूरी होता है। सब्जी मैं चढ़ाई ही थी, तभी बोला कि नहीं छोड़ दो भाई, ये सब्जी रख दो रात के लिए और चलो हम लोग बाहर से खा करके आते हैं। क्योंकि कभी कभी जो होता है ना, बाहर में भी टाइम स्पेंड करने से थोड़ा सा होता है ना, आपको जो भी महीनों की थकान होती है ना, तो थोड़ा सा रिलैक्स लगता है, थोड़ा सा मतलब शांति लगता है कि चलो मन रिफ्रेश हो जाता है कहेंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं सब्जी बनाने के लिए चढ़ाई थी कढ़ाई, लेकिन चलिए इसको मैं रख दूँगी रात में। और थोड़ा बहुत कपड़े वपड़े भी लेना है, तो मैं अभी मार्केट लेकर के जाऊँगी और उसके बाद बहुत ज़्यादा तो मैंने वीडियो वहाँ पर नहीं शूट किया, क्योंकि हर समय कैमरा लेकर के चलना भी अच्छा नहीं लगता है। तो चलिए आज देखिए, बस थोड़ा बहुत जो होता है ना, हम लोग वहाँ पर जिसको जो चावल खाना है चावल खाए, जिसको ठंडा पीना है ठंडा पिए, उसके बाद फिर हम लोग घर आ गए। तो आज जो है ना, संडे के दिन जो होता है ना, मुझे बहुत रिलैक्स मिला और बहुत अच्छा लगा। तो मैंने यहाँ पर जो है ना, क्योंकि गर्मी काफ़ी पड़ रही है, तो मैंने दही की लस्सी एंजॉय किया। और घर में बना दाल तड़का तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन बाहर में सब बहुत एंजॉय करते हैं। तो मिलती हूँ कल एक अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।